गुजरात में राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से विपक्ष ने अयोध्या में बीजेपी को हराया उसी तरह कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को परास्त करेगी। राहुल गांधी के बयान पर अब सियासत तेज है। राहुल के बयान पर पलटवारों की खेप आपको दिखाएंगे, उससे पहले राहुल गांधी का जरा वो बयान सुन लीजिए जिस पर हंगामा बरपा हुआ है। गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा और लिख के ले लो कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेर टाइगर हराएंगे। तो राहुल गांधी के इसी बयान पर बीजेपी और आरएसएस भड़क उठे हैं। आपको कुछ बयान सुनाते हैं कैसे राहुल गांधी पर हमलों की बौछार हो रही है। तीनों चुनाव में मिलाकर जितनी सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, उन सब को भी एक साथ एकत्रित कर लो, 45, 56 और 99। उसके बाद भी 239 तक उनका आंकड़ा नहीं पहुंचता जो भारतीय जनता पार्टी को अकेले इस चुनाव में आशीर्वाद जनता का मिला है। गिरेबान में झांके, असलियत को पहचाने, जमीन जहां उनकी फिसली है उसका आभास लें और उसके बाद अपना वक्तव्य दें। और देश की राजनीति में अगर सबसे बड़ा कोई कोड है वो राहुल गांधी। बिहार के युवराज विदेश यात्रा पर, अब देश के युवराज विदेश यात्रा पर जाएंगे। इन लोगों के लिए देश की राजनीति एक मनोरंजन है और नरेंद्र मोदी देश को अपना कर्म भूमि मान के चलते हैं। कि राम जन्मभूमि आंदोलन का चुनाव से संबंध नहीं है श्रीमान राहुल गांधी, यही तुमको समझना है। तुम्हारी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी राम जन्मभूमि आंदोलन को बार बार कुचलते रहे, आपके पिताश्री श्रीमान राजीव गांधी जी वो भी राम जन्मभूमि आंदोलन को कुचलते रहे, लेकिन राम भक्त आपकी दादी से भी लड़े और आपके पूर्व पिताजी से भी लड़े और फिर भी वहां कार सेवकों ने भूमि पूजन किया। जिहादियों, अतिवादियों और उसकी मानसिकता को पोषित पल्लवित करने वाली कांग्रेस और कांग्रेस की कोख में से जन्मे राजनीतिक दलों और नेताओं के कारण एक निर्वासित जीवन जीने को मजबूर है। अतिवादी और आतंकवादी मानसिकता के लोग अभी भी उसके जान के प्यासे हैं। दुर्भाग्य यह है कि हिंदू समाज को फिर भी ये हिंसक बताते हैं। जो हिंसक लोग हैं, जो हिंसक कौम है, हिंसक मानसिकता है उसका बचाव करते हैं और जो अहिंसक हैं उनको हिंसक बताते हैं। ये कांग्रेस की जो चरित्र है उसको पुनः उजागर करता है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती आज चेन्नई पहुंची। यहां उन्होंने बीएसपी के तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा उन्होंने हत्या की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग उठाई। बता दें आपको, शुक्रवार को आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से बीएसपी कार्यकर्ताओं में काफी रोष दिखा। मायावती ने दावा किया कि इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोग असल अपराधी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु के सीएम एनके स्टालिन से इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का आग्रह किया ताकि न्याय मिल सके। जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे, न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर किया जाए ताकि जो असली अपराधी हैं तो उनका असली कैरेक्टर सामने आ जाए, ये मालूम पड़ जाए कि इसके पीछे हाथ किसका है। तो बीएसपी तो सीबीआई जांच की मांग कर रही है, साथ ही बीजेपी भी तमिलनाडु सरकार पर हमले कर रही है। तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार डीएमके की सरकार कांग्रेस की सरकार है। स्टालिन साहब तो खुद मुख्यमंत्री ही नहीं गृह मंत्री भी है
और उनके होते हुए जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, दलितों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा है। अगर एक व्यक्ति को 7 बजे 6-7 लोग आकर धारदार हथियार से मार देते हैं और उस पर कोई जवाबदेही नहीं। इससे पहले 65 दलितों की हत्या हो गई थी कलकुरुची में। अब मायावती जी ने सीबीआई प्रोब की मांग भी की है। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो सीबीआई की प्रोब क्यों नहीं करवाते? वही विपक्षी दल कह रहे हैं कि स्टालिन सरकार इस मामले पर न्याय करेगी। जाहिर है कि मायावती जी की पार्टी के एक महत्वपूर्ण पिलर थे वो। ये इस तरह की हत्याएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आज एक अंग्रेजी डेली की जो खबर है उसमें तहकीकात कुछ अलग दिशा में जा रही, तो हमें पूरी तहकीकात का भी इंतजार करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल मर्डर अगर ये है तो मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की गवर्नमेंट इंसाफ करेगी और अनुसंधान को परिणति तक जल्द से जल्द पहुंचाएगी।